बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपके परिंदे जानवर भी खैर वाफियत से होंगे। ये चेक करें जी, माशाल्लाह असीलों के लिए नए खाने बनाए हैं। मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा इन खानों की। माशाल्लाह ये असल में एक कमरे में रखना इनको बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि खाने बनाने चाहिए। आगे हमने थोड़ी सी गैलरी टाइप छोड़ी है, ये चेक करें, और पीछे ये खाने बनाए हैं। ठीक है, वेंटिलेशन का भी हमने पूरा निज़ाम रखा है। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ये जो शीट लगी हुई है इस तरफ, ये उतर जाएगी। यहाँ पे इस खाने की भी पूरी जाली है, जो ये दो कमरों को पार्टीशन के लिए हमने दी हुई है, यहाँ से जाली। और फिर हर खाने के ऊपर ना ये चेक करें, इतनी इतनी जगह छोड़ी हुई है आगे सारे खानों के अंदर। ठीक हो गया, वैसे यहाँ से वेंटिलेशन सारी गुजरेगी। और ये इधर इधर भी हमने छोटा सा ऐसा छोड़ा हुआ है हवा के लिए, और इधर भी अभी मैंने ढांपा हुआ है। तो ये देखें, खाने के ऊपर भी सारी जाली है, आधा फटा है। तो गर्मियों में इनको इंशाल्लाह वेंटिलेशन का भी मसला नहीं होगा। और पीछे से भी हमने खानों की, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये हमने जगह छोड़ी हुई है हवा के लिए, क्योंकि गर्मियों में, सर्दियों में तो शीटें लगा के कवर हो जाता है, लेकिन गर्मियों में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने वेंटिलेशन की भी अच्छी खासी जगह छोड़ी है। तो जब आएंगी इंशाल्लाह गर्मियाँ, तो वेंटिलेशन भी सही होगी और इंशाल्लाह प्रॉपर परिंदे यहाँ पे सेट रहेंगे। तो खानों का मैं आपको व्यू देता हूँ। ऐसे ये इसका दरवाज़ा है, और ये अंदर अभी ज़रा ये खाने कुछ ना कुछ सेट करने हैं। ऐसे खाने हैं, ये 4x4 के खाने बने हैं, ये चेक करें। ये भी ज़रा थोड़ी थोड़ी सेटिंग हो रही है, परिंदों की एडजस्ट करूँ मैं, तब वो आपको और खाने के अंदर पिंजरे और ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही अगले खाने, ये आपको व्यू ठीक नज़र आएगा, ये ऐसा खाना बना है। ठीक हो गया, आगे ये ज़रा मादी कुड़क के मूड में आई गई, तो तब मैंने उसको डांपा है भाई, सही करके कुड़क हो जाए। तो ये खाने आप चेक करें, वैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे ये हाल है कमरा, और ऐसे तो इसके अंदर फिर हमने, ये 13 फुट का कमरा है, पीछे दीवार से लेके अगली दीवार तक, तो 4 फुट हमने खाने बनाए हैं 4 फुट के फासले पे। तो आगे जो जगह रहती थी वो हमने खुली छोड़ दी है। इधर ये देखें, ये मादी है, ये भी हल्की हल्की कुड़क हो रही है, तो मेल इसको तंग कर रहा था ये वाला, तो मैंने इसको बाहर छोड़ दिया। अभी तो बाहर घूमती रहे, इसका ये फ़ायदा है कि बाकी बंद हैं, जो बाहर घूम रहे हैं वो फिर आपस में लड़ते नहीं हैं। और खाने आपको अपडेट देनी थी, आपको खाने कैसे लगे, और अगर इसके अंदर कोई कमी है तो वो भी आप मुझे बताएं। एक कमी है इसके अंदर, दरमियान में लगानी है डंडे बैठने के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आज ही लगा दूंगा। ड्रिल के आगे वो लेकर आना था वर्मा, जो गोल सुराख करता है, उससे वर्मे से हम लगा देंगे, तो इंशाल्लाह वो भी कमी पूरी हो जाएगी। बाकी कोई और अगर आपको कमी नज़र आ रही है तो आप बताएं, तो अगर बस में हुआ तो पूरी कोशिश करूंगा वो भी कमी दूर कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर अभी माशाल्लाह फीमेल जोर लेकर आनी है, मेल क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं, तो उनके साथ फीमेल लगानी है। एक मेल अभी उस साथ वाले कमरे में घूम रहा है, उसके साथ की भी फीमेल नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते रहेंगे। ये फीमेल भी आहिस्ता आहिस्ता कुड़क हो रही है, तो इसके नीचे अभी रखते हैं अंडे शंडे, फिर आप दोस्तों के लिए परिंदे भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 4-4 महीने के पट्ठे मैं सेल करता हूँ, जब वो अपना रंग रूप सही निकाल लेते हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।